कक्षा छः विषय हिंदी विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लेकर उपस्थित हुआ हूँ। निबंध का शीर्षक है विज्ञान के चमत्कार। विद्यार्थियों, इससे पहले के वीडियो में आपने काव्य क्रमांक 5 जय विज्ञान की उसका वीडियो देखा, जिसमें विज्ञान के अनेक चमत्कारों के बारे में बात की गई थी। आपने यह काव्य अवश्य याद कर लिया होगा, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। तो विद्यार्थी, ये जो कविता है, इस कविता में विज्ञान की महत्वपूर्ण बात की गई थी। तो आइए, आज मैं आरंभ करने के लिए जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध विज्ञान के चमत्कार। तो यहां पे इस कविता के मुख्य मुद्दे क्या होंगे? तो विद्यार्थियों, हम देखें मुख्य मुद्दे की बात करें तो सर्वप्रथम प्रस्तावना देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बिजली की खोज, वह विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज है, इसलिए बिजली से संबंधित आविष्कार जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे इस निबंध में। उसके बाद विद्यार्थियों, दूर संचार और तकनीक के बारे में बात करेंगे। जो आज तकनीक जो है उसका विकास आज के युग में हुआ है वह। उसके बाद यातायात संबंधी आविष्कार यानी वाहन व्यवहार उसके संदर्भ में बात करेंगे। उसके बाद मनोरंजन संबंधी आविष्कार हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यातायात संबंधी आविष्कार, जो यातायात संबंधी आविष्कार हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में कुछ ऐसी खोजें, ऐसे आविष्कार आज के युग में हुए हैं जो आज के युग को मुसीबत में डाल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और वह युद्ध संबंधी आविष्कार हैं। युद्ध संबंधी आविष्कार की बात करेंगे और उसके बाद समापन। विद्यार्थियों, कक्षा 6 को ध्यान में रखकर इस निबंध की मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद आपको यह निबंध अपनी हिंदी की निबंध की नोटबुक में लिखना होगा। विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान की उपलब्धियों का युग है। अनेक आविष्कारों के कारण आज का युग एक विकास का युग बन गया है। विद्यार्थियों, आपको निबंध में लिखना ही है प्रथम पैराग्राफ, यहाँ मैं आरंभ करने के लिए जा रहा हूँ। आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है, विज्ञान के अनेक आविष्कार, अनेक आविष्कार आज के युग में हुए हैं, आज के युग में
वे हैं, इसलिए आज के युग को विकास का युग भी कह सकते हैं, विकास युग भी कहते हैं। तो यह प्रस्तावना आप लोगों ने देखी कि महत्वपूर्ण प्रस्तावना यहाँ पे ने प्रस्तुत की। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ देखेंगे कि बिजली की खोज के कारण कितने सारे आविष्कार हुए हैं। तो विद्यार्थियों, आज का जो युग है उसके विकास का एक महत्वपूर्ण कारण बिजली की खोज भी है, क्योंकि बिजली से अनेक उपकरण चलते हैं। आप यह जो मोबाइल में वीडियो को देख रहे हैं, उस मोबाइल को बिजली से ही चार्ज किया गया है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि भी बिजली के कारण ही संभव हो सके हैं। बिजली के कारण विद्यार्थी हम गर्मी के मौसम में अपने जिस कमरे में बैठे होते हैं, जिस घर में बैठे होते हैं, उस घर में ठंडक पहुंचाने का काम भी बिजली करता है। और ठंडी के मौसम में रूम हीटर बनकर बिजली ही उपयोगी साबित होती है। बिजली के कारण रूम हीटर चलते हैं, बिजली के कारण पंखे चलते हैं, बिजली के कारण टेलीविज़न चलता है, बिजली के कारण कंप्यूटर चलता है। इसलिए बिजली के बारे में नया पैराग्राफ होगा। बिजली की खोज आज के युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। बिजली से अनेक उपकरण चलते हैं। उपकरण अर्थात अनेक चीज़ें चलती है, उपकरण चलते हैं। बिजली के कारण हमें घर में शीतलता का एहसास होता है। पंखे, टीवी, एसी आदि बिजली से ही चलते हैं। रूम हीटर भी बिजली से चलता है। तो विद्यार्थी, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने प्रस्तुत की। उसके बाद यह पैराग्राफ पूर्ण होता है, नया पैराग्राफ आरंभ करेंगे।
आज के युग में तकनीक क्षेत्र का काफ़ी यानी टेक्निकल क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है, जिसके कारण दूर संचार में नई क्रांति आई है। आज के युग में तकनीकी क्षेत्र में कंप्यूटर टेलीफोन टीवी जिसे हम दूरदर्शन भी कहते हैं, उसका हिंदी नाम दूरदर्शन है पर आप टीवी के नाम से ज़्यादा उसे जानते हैं। आज के युग में तकनीकी क्षेत्र में कंप्यूटर टेलीफोन दूरदर्शन आदि का विकास हुआ है आज के युग को इंटरनेट का युग भी कहा जाता है। इंटरनेट के द्वारा आप दुनिया की किसी भी प्रकार की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविज़न के द्वारा आप तुरंत कहीं भी दुनिया में कोई खेल हो रहा होता है या कोई राजनेता की सभा हो रही होती है तो उसे देख सकते हैं। तो यह आज का जो युग है उसकी एक विशेषता है। मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा बहुत बड़ी उपलब्धि है। विद्यार्थियों, आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए गए होंगे। सिनेमा के बड़े पर्दे में फिल्म देखने का आनंद ही कुछ और होता है, बहुत ही मजा आती है फिल्म देखने की। आज के युग में अनेक उपग्रहों के कारण अनेक सुविधा प्राप्त हुई है। विद्यार्थियों, उपग्रह अर्थात सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में तकनीकी क्षेत्र अर्थात टेक्निकल क्षेत्र में विकास के लिए हमें बहुत प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ाती है। अब विद्यार्थियों आगे देखेंगे कि यातायात के साधन। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति पैदल ही जाया करता था या फिर घोड़ों का उपयोग करता था, बैल का उपयोग करता था अर्थात पशुओं का उपयोग करता था। लेकिन आज तो आप स्कूटर से जा सकते, एक्टिवा से जा सकते, मोटरसाइकिल से जा सकते, आप कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, रेलगाड़ी से जा सकते या हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। अर्थात कितना विकास हो गया है, बहुत विकास हुआ है विद्यार्थियों। तो नया पैराग्राफ यहाँ से, आज के युग में यातायात के अनेक साधन उपलब्ध है।
उपलब्ध है। हम स्कूटर, मोटरसाइकिल, फिर कार का उपयोग कर सकते हैं, बस का उपयोग कर सकते हैं, रेलगाड़ी या हवाई जहाज। हवाई जहाज से सफ़र कर सकते हैं, सफ़र कर सकते। विद्यार्थी, हवाई जहाज अर्थात एरोप्लेन, एरोप्लेन के द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने पे तुरंत पहुंच सकते हैं, हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर डॉक्टरी के क्षेत्र में भी, चिकित्सा क्षेत्र में भी बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं, जो बीमार व्यक्ति की तुरंत जो बीमारी है उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बीमारी का निदान कर दिया जाता है। बीमार और रोगी व्यक्ति के इलाज के लिए आज के युग में बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं। अब विद्यार्थियों, निबंध बहुत बड़ा नहीं करूँगा, आपकी कक्षा के अनुसार छोटा ही रखूँगा। युद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। आज के युग के युद्ध संबंधी आविष्कार, युद्ध संबंधी आविष्कार आज के युग में युद्ध संबंधी आविष्कार भी हुए हैं। सचमुच आज का युग विज्ञान का युग है। नया पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ। सचमुच आज का युग, आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है, विज्ञान के चमत्कार का युग है। तो विद्यार्थियों, यहाँ मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप सभी विद्यार्थी निबंध को अच्छी तरह से समझे और उसके बाद अपनी हिंदी की निबंध की नोटबुक में इस निबंध को अवश्य लिखिएगा और निबंध अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। इस वीडियो से मैं अब अनुमति लेता हूँ। आने वाले दूसरे वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगा। जय श्री स्वामीनारायण।